हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के हाई डिमांड पे यहाँ पर मैं यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 4 जनवरी 2020 को दो पालियों में संपन्न हुई है दोस्तों। उसके बारे में दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ काफ़ी बच्चे, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन भी करवाया था तो काफ़ी बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए, आपके हिसाब से क्या जा सकता है कट ऑफ दोस्तों। तो मैं अपने हिसाब से एनालिसिस करके जो भी मुझे लग रहा है दोस्तों, पूरी तरीके से ईमानदारी से मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको लगता है तो आप लोग हमें एग्री जरूर कीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि सर सही कह रहे हैं दोस्तों, और अपनी राय भी रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर इतना जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, अगर आप लोग मांग रहे हैं तो मैंने एनालाइज करके आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। जल्द ही आरओ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है और आगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की हम तैयारी भी करवाएंगे, जैसे लेखपाल और चकबंदी लेखपाल की। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। उससे पहले खबर निकल के आ रही दोस्तों, हिंदुस्तान ई पेपर में, अमर उजाला के पेपर में, सभी में देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा परीक्षाओं में सालवर गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं दोस्तों। 16 जिलों के 444 परीक्षा केंद्रों में 2 पालियों में परीक्षा हुई थी, जिसमें से 3 लाख रुपए वसूलते हुए प्रत्येक अभ्यर्थी से दलाल, ठीक है, 3 लाख रुपए वसूला है। देखते हैं, थोड़ा सा खबर ले लेते हैं दोस्तों। बिहार से बुलाए गए थे सालवर को 50,000 रुपये मिले थे पेपर सॉल्व करने को। केंद्र पर देर से पहुंचे परीक्षार्थी, हुआ हंगामा दोस्तों। जानने में यह है कि दोस्तों 5 लाख आवेदन हुए थे, जिसमें से केवल 60% छात्र ही परीक्षा दे पाए हैं। बहुत सारे बच्चे परीक्षा छोड़ ही दिए हैं और कुछ बच्चों का तो परीक्षा, यहाँ पर 10% तो ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा केंद्र पर देर से पहुँचने पर उनको परीक्षा देने को नहीं मिला। कई जगह पर यह मामला सामने आया है दोस्तों। आगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कानपुर में, वाराणसी में एक पकड़ा गया, काफ़ी साल भर पकड़े गए हैं दोस्तों। कनिष्ठ सहायक देख सकते हैं, केंद्र पर देर से पहुंचने पर परीक्षार्थी हंगामा। कनिष्ठ सहायक पद के लिए आयोजित परीक्षा में केंद्रों पर परीक्षार्थियों के देर से पहुंचने पर हंगामे की शिकायत आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाया बुझाकर मामला शांत किया। परीक्षा TCS ने कराई थी। परीक्षा के लिए राजधानी में लखनऊ के में 44 केंद्र बनाए गए थे। पहली पाली में सुबह 10 बजे से 11 बजे और दूसरी पाली दोपहर 3 से 4:30 बजे परीक्षा हुई। ठाकुरगंज से स्थिति ब्राइट कैरियर इंटर कॉलेज और लखनऊ मेंटर्स इंटर कॉलेज में समेत कई केंद्रों पर हंगामे की खबर आई। अभ्यर्थी कहना है कि उन्हें परीक्षा नहीं देने दी। उधर लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रशांत मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग के निर्देश के मुताबिक सुबह की पाली में परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 8 से 9:30 बजे तक का प्रवेश दिया जाना था। कई अभ्यर्थी उसके बाद केंद्र पर पहुंचे, वह मौजूदा मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों ने प्रवेश कराने से रोक दिया दोस्तों। तो ये सारी मामला सामने आया दोस्तों। उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित जूनियर परीक्षा में सेंध लगाने सालवर गैंग के 5 सदस्यों को STF ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। इनमें गैंग का सरगना गोरखपुर के शहीदाबाद का निवासी कमरे अलीवा आलम हुआ बिहार के 2 सालवर शामिल थे दोस्तों। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है यूपी ट्रिपल एससी जिसमें सेंधमारी नहीं की जाए दोस्तों। 3 लाख रुपए चले थे, 3 लाख रुपए हर अभ्यर्थी से वसूले गए थे, जितने भी लोग गैंग सालवर से करवा रहे थे दोस्तों। ये 5 लोग हैं जो पकड़े गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, ये सारी बात होगी तो हमारी डेली की, जो हमें जानना चाहिए था हमारी परीक्षा में आखिर हुआ क्या है। और अब बात करते हैं कट ऑफ की दोस्तों। तो दोस्तों, ये पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आंसर की आने के बाद में ही फाइनल कट ऑफ बताया जा सकता है, उसको भी मैं बताऊँगा। फिलहाल मैं देख लेते हैं कैटेगरी वाइज हम बताएंगे। जो आपका पेपर था दोस्तों, वो पूरी तरीके से मॉडरेट था, TCS ने आयोजित किया था, इसलिए एक ना एक पोर्शन वो जरूर टफ करता है, खासकर GS का पोर्शन। तो काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन थे, काफ़ी डीप नॉलेज वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, UPGK के काफ़ी डीप नॉलेज वाले, जैसे कौन से सन में क्या हुआ था, काफ़ी डेट पूछा गया था। इसके चलते हिंदी जो था आपका वो पूरी तरीके से इजी था दोस्तों। 60 प्रश्न में से 50+ हर बच्चों ने लगभग किया है। साथ ही साथ जो आपका रीजनिंग था पूरी तरीके से मॉडरेट था, यानी कि 30 क्वेश्चन में से काफ़ी बच्चों ने 25+ किया है यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग, और जो आपका GK था 40 प्रश्न का, उसमें थोड़ा सा कम अटैम्प्ट गया, कुछ बच्चों ने 15 से 20 से ज़्यादा प्रश्न नहीं अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। बाकी तुक्का लगाने वाले तो सब अटैम्प्ट कराते हैं। तो इसके मुताबिक मैं आपको जो बता रहा हूँ जनरल के हिसाब से, यानी कि UR अनरिजर्व का जो आपका जाएगा वो 40 मार्क्स, यानी कि 65 मार्क आपका परीक्षा है, ठीक है, जिसमें से 40 मार्क अगर जनरल ने अटेम्प्ट किए हैं, 40 मार्क करके आए हैं, यानी कि अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 80 क्वेश्चन जनरल,
तो आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। आज शाम तक आंसर किया जाएगा। अगर आपका 40 मार्क बन रहा है यानी कि 80 क्वेश्चन अगर आपके सही जा रहे हैं, ये 80 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग के, क्वेश्चन को काटने के बाद में अगर 80 क्वेश्चन आपके टोटल सही जा रहे हैं जनरल यानी अनरिजर्व का, तो आप लोग टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयार हो जाइएगा बिल्कुल तरीके से। टाइपिंग कल से ही स्टार्ट कर दीजिएगा आप लोग अपना, टाइपिंग टेस्ट में बिल्कुल चूक न होनी चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर आपका ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी का दोस्तों 38 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन इनका जो है 40 क्वेश्चन है और आपका जो है वो 38 क्वेश्चन, यानी ओबीसी जो है वो 38 क्वेश्चन अगर सही करता है बच्चा तो वो टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी अपनी शुरू कर दें, ठीक है। 40 क्वेश्चन इनका होना चाहिए और 38 क्वेश्चन जो है वो ओबीसी का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अब एससी एसटी की बात किया जाए दोस्तों, तो एससी एसटी की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 35 और 33 जाने वाली है, ठीक है। यानी कि इनका 80 क्वेश्चन अनरिजर्व्ड और 35 दुना 76 क्वेश्चन आपका ओबीसी लगभग करके आए बच्चा, 35 दुना 70 क्वेश्चन एससी और आपका 33 दुना 66 क्वेश्चन एसटी का बच्चा अगर करके आ रहा है दोस्तों तो आपका सिलेक्शन पक्का है, रिटर्न एग्ज़ाम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये मेरी सलाह है आज आपका, जहाँ तक 24 घंटे बाद बताया गया था कि आपका आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा, तो आज शाम को अपना आंसर की मैच करें। और अगर ये क्राइटेरिया क्रॉस करता है ठीक है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैंने फिर से लिख दिया है यहाँ पर 40 नंबर जनरल, 38 नंबर ओबीसी, 35 नंबर एससी और 33 नंबर एसटी, 80 क्वेश्चन जनरल, 76 क्वेश्चन ओबीसी और 70 क्वेश्चन आपका एसटी और 66 क्वेश्चन एसटी, इतने क्वेश्चन और इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग टाइपिंग टेस्ट शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। ये मैंने अपने तरफ से एनालिस करके जो आपको कट ऑफ बताया है यही कट ऑफ जाने वाली, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है दोस्तों। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो और अगर आप मेरे कट ऑफ से एग्री हो, आपको भी लगता हो इससे ज़्यादा नहीं जाने चाहिए, तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों और अपने भी तरीके से अपने भी आप कट ऑफ बता सकते हैं कितना जा सकता है दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर